स्वागत है आप सबका कहानियों के इस मंच पर। आज मैं आपको एक ऐसे नायक की कहानी सुनाऊंगा जिससे जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला था और जिसकी चिता को मैंने आग भी दी थी। आज ही के दिन 106 साल पहले इस कहानी के नायक का जन्म हुआ था, जिसने मुझे एक दत्तक पुत्र के समान स्नेह दिया। आज मैं याद कर रहा हूं एक ऐसे कर्मयोगी को जिन्होंने भारतीय सिनेमा को वो फिल्में दी जिन्हें भुलाया जाना मुश्किल है। 1954 में एक बाल फिल्म रिलीज हुई थी जिसे उस दौर में जन्मे हर बच्चे ने देखा था, नाम था जागृति। फिल्म का एक गीत, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, आज भी देश को मिली आजादी के महत्व की याद दिलाता है। देश आजाद हुए 7 साल ही हुए थे, ऐसे में उस दौर के बच्चों में इस गीत ने जो राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा की, जो चेतना पैदा की, वो आज तक हमारी उम्र के लोगों में विद्यमान है। आप माने या ना माने, मगर आज के नायक द्वारा 1958 में निर्देशित फिल्म चलती का नाम गाड़ी आज तक की सबसे पॉपुलर कॉमेडी फिल्म मानी जाती है, जिसमें अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार तीनों ने एक साथ किरदार निभाए थे। 1964 में रिलीज हुई सुपरहिट प्लैटिनम जुबली फिल्म दोस्ती का निर्देशन करके उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म्स के लिए एक ठोस नींव रखी और उसे हमेशा के लिए एक उच्च कोटि का फिल्म प्रोडक्शन हाउस बना दिया। और फिर आई जीवन मृत्यु, जिसमें धर्मेंद्र ने पहली बार एक सिख के किरदार को निभाया। उनकी कुछ और सफल फिल्में थी आसरा, रात और दिन, मेरे लाल और आंसू बन गए फूल। जी हाँ, मैं याद कर रहा हूं सत्येंद्र बोस जी को, जिनका आज जन्मदिन है और जिन्हें मैं प्यार से दादा कहकर संबोधित करता था। सत्येंद्र बोस एक बुद्धिमान निरीक्षक थे, हाँ बहुत बुद्धिमान थे, हमेशा हाई IQ वाले लोगों की सराहना करते थे। मैं दादा से 1982 में मिला था, जब वे CFSI के लिए बच्चों की फिल्म काया पलट का निर्देशन कर रहे थे। तब उनकी उम्र 66 वर्ष की थी। वे मनमौजी भी थे और उग्र स्वभाव के भी। शुरू शुरू में मेरी और दादा की नोकझोंक होती थी, पर थोड़े ही समय में हम दोनों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार पिता और पुत्र में बदल गया था। दादा उस दौर के अकेले ऐसे निर्देशक थे जो अपने आर्टिस्ट को शॉट देने से पहले खुद एक्टिंग करके समझाते थे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी गजब का था, शायद इसीलिए वे चलती का नाम गाड़ी जैसी फिल्म बना सके। वो रहते तो थे जुहू में, पर मुझसे मिलने रोज बांद्रा में मेरे घर आ जाते थे। यूं तो मेरे दरवाजे पर घंटी लगी थी, पर दादा को दरवाजे पर दस्तक देना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। मुकेश, दरवाजा खोलो, दादा आ गया, किधर है तुम? और मैं जल्दी से भाग कर दरवाजा खोल देता था। उस दौर में दादा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उन्हें अस्थमे की शिकायत थी, बात करते करते उनकी सांस फूलने लगती थी। एक दिन वो थोड़ा भावुक हो गए और बोले, मुकेश हम कितना जिएगा मालूम नहीं, पर हमारी चिता को तुम ही आग देना, यही हमारी इच्छा है। मैंने कहा, दादा ऊपर वाला इतनी जल्दी आपको बुलाने वाला नहीं है, मरने की बात छोड़िए। दादा मुंबई में अकेले ही रहते थे, उनके परिवार के लोग कोलकाता में थे, पर वे उनके संपर्क में नहीं थे। दादा और मेरा संयोग 11 साल तक रहा। मैंने उनकी एक टेलीफिल्म डैन में लीड रोल भी किया था, और फिर वही हुआ जिसका डर था। मैं तब दूरदर्शन केंद्र मुंबई में उप निदेशक के पद पर कार्यरत था। एक फोन की घंटी बजी, दूसरी ओर से एक लेडी की आवाज, शर्मा सर दादा नहीं रहे, आपको आना होगा उनका अंतिम संस्कार करने के लिए, दादा की यही इच्छा थी ना। उस दिन मुंबई में बारिश भी खूब हुई, शायद आकाश रो रहा था। मुझे याद है 9 जून 1993 को मैंने उनका अंतिम संस्कार किया था। इसमें फिल्म उद्योग से केवल 2 ही लोगों ने भाग लिया, अभिनेता अनूप कुमार जो किशोर कुमार के भाई थे, और एक रिप्रेजेंटेटिव बड़जात्या परिवार से। उस रात मैंने दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर दादा की याद में एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, जिसका एंकर मैं ही था। दादा अपनी फिल्मों की तरह एक बेहतर अंत के हकदार थे, लेकिन रियल लाइफ और रियल लाइफ दो ऐसी हकीकत हैं जो कभी नहीं मिलती। यही कड़वी सच्चाई है हमारे इस फिल्म उद्योग की। अगली बार फिर सुनिएगा एक और ऐसी अनोखी कहानी, ऐसे ही अनोखे अंदाज में।